बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़, जिसके लिए मुझे चाहिए है, मैंने दो आलू लिए हैं, उनको काट के चिप्स बना के मैंने इसको ठंडे पानी में डाल दिया है, और एक ब्रेस्ट पीस लिया है क्योंकि मैंने दो आलू लिए हैं, तो उसके लिए एक सीने का पीस। तो हम इसमें करेंगे चिकन, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इसमें डालेंगे चिकन टिक्का मसाला और ये सिरका, इसको हम लगा के अच्छे से छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए। सही, ये अच्छे से लग जाएगा, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि पिज़्ज़ा फ्राइज में और क्या डलेगा। ये मैं इसको मसाला लगा के छोड़ देती हूँ, और चिप्सों में से ये पानी निकाल के फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर हमने आगे क्या करना है। ये चिकन मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ा था, अब एक चम्मच ऑयल डाल के मैं इसको एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे। जब तक ये पक रहा है तो मैं आपको दूसरी चीज़ साथ साथ बता देती हूँ। आलू पे हम कॉर्न फ्लोर लगा के थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते हैं, जब तक ये पकेगा तब तक हमारे। अच्छा, ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून है, और ये दो आलू हैं। अब हम इसको आलू में से मैंने पानी निकाल लिया है, अब हमने क्या करना है, इसको हमने मिक्स कर लेना है। हमने अच्छे से इसको मिक्स करके, अच्छा ये देखें सब पे अच्छे से लग गए हैं कॉर्नफ्लोर। तो अब हम इसको थोड़ी सी देर छोड़ देंगे, और फ्राई पैन में ऑयल डाल के फिर इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें मैंने इतनी देर में उधर कॉर्नफ्लोर लगाया, इतनी देर में हमारा चिकन रेडी हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर ये 10 मिनट में आराम से पक जाते हैं क्योंकि ये बोनलेस है। अच्छा, ये घी ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, ये गर्म हो गए, अब हम इसमें फ्राइज डाल देंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे और क्या देखते हैं। फ्राइज हमारे तैयार हो गए हैं, अब हमने क्या करना है, इन सबको इसमें नीचे डाल देना अच्छे से। अच्छा, ये मैंने सारे फ्राइज इसमें डाल दिए हैं, अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी काली मिर्ची डालूँगी, नमक बहुत हल्का सा मैंने फ्राई करते वक्त डाल दिया था, बहुत हल्का सा, और अब हमने इसके ऊपर डालना है ये जो चिकन हमने किया था ना, बनाया था। मैं ये प्लेटर तैयार कर रही हूँ, तब तक मैंने उधर चूल्हा जला के तवा उसके ऊपर रख के उसके ऊपर मैंने पतीला रख दिया कि वो गर्म हो जाए। जिन लोगों के पास ओवन नहीं हो तो इस तरीके से बनाइए। देखिए हमने अच्छे से सारा चिकन लगा लिया, केचप चिल्ली, केचप मैंने डालना है। ये हमने क्या करना है कि ये मोज़रेला चीज़ है, अच्छे से डालनी हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश के लिए। मैंने टमाटरों में से बीज निकाल के डाल लिया, आप इसके ऊपर गाजर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जो भी चीज़, ऑलिव डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके बच्चों को पसंद हो वो डालें। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें काटी है, ये डाल देंगे, और एक चुटकी में मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें डाल ली। अब हमने क्या करना है कि मैंने ये पतीला रख के ना इसको ओवन की तरह इसमें रखना, और ये गर्म है बहुत एहतियात से, इसको हमने
15 मिनट तक कवर करके रखना है कि हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और मज़े के फ्राइज तैयार हो गए। देखते हैं, देखिए हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, बहुत मज़ेदार हमारा पिज़्ज़ा फ्राइज तैयार हो गया। अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको हमारा पिज़्ज़ा, अच्छा ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा फ्राइज कितने मज़े का थे। हमारा पिज़्ज़ा फ्राइज तैयार हो गया, बहुत ही मज़े का लग रहा है, ये देखें बहुत ही मज़ेदार। ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा।